भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे ओडीआई मैच में जब ब्रूक्स खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद दीपक हुड्डा को दी और दीपक हुड्डा ने कप्तान रोहित शर्मा को निराश नहीं करा और अपने पहले ओवर की पांचवी गेंद पर ही ब्रूक्स को लॉन्ग ऑन पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं टीम के सभी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को उनके पहले अंतर्राष्ट्रीय विकेट के लिए बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दीपक हुड्डा विराट कोहली के गले लग जाते हैं और अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय विकेट को सेलिब्रेट करते हैं और वहीं विराट कोहली भी उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें शाबाशी देते हैं उनके पहले इंटरनेशनल विकेट के लिए। इस दौरान विराट कोहली काफी खुश नजर आ रहे थे। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये दीपक हुड्डा के लिए कितना बड़ा मोमेंट था। इसके अलावा मैच के दौरान एक ऐसा भी मौका आया जब विराट कोहली को काफी फनी अंदाज में देखा गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 44 रनों से हरा दिया। इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार बॉलिंग करते हुए अपने 9 ओवरों में 3 मेड इन रखते हुए 12 रन देकर 4 सर्वाधिक विकेट लिए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लें जरूर से।